सर ने डिस्क्लोज रखा हुआ है किरदार, लेकिन इसमें जो जहाँ तक है मुझे बहुत अच्छा किरदार मिलने वाला है एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको करने के लिए। ये शीर्षक है इसका किसान की बेटी। बेटी ऐसे भी बहुत ही लक्ष्मी मानी जाती है और भरण पोषण भी करती है, तो किसान से ये दोनों ही शब्द जुड़े हुए हैं कि और शोषण के विरुद्ध आवाज़ भी है, जो शोषण कर रहे हैं स्त्रियों का, चाहे वो शिक्षित वर्ग के हों या अशिक्षित वर्ग हों, वो दोनों ही शोषण कर रहे हैं। तो शोषण के विरुद्ध भी आवाज़ है कि नारी एक शक्ति है और शक्ति का सम्मान करना चाहिए। आप बताइए मैडम। मेरा नाम अरुणिमा है और मैं इस किसान की बेटी की शीर्षक से मूवी से जुड़ी हुई हूँ। और पहले हमारे देश के 80% जनता गांव में निवास करती थी और खेतीबाड़ी करती थी। आज खेतीबाड़ी की हालत ये हो गई है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो उसको भी एक तरीके से ये मूवी बढ़ावा दे रही है और बेटियों को तो दे ही रही है कि हर बेटी अपने आप में एक शक्ति है और नारी शक्ति का सम्मान करना चाहिए। और जिस देश में शक्ति का सम्मान होता है, लक्ष्मी का सम्मान होता है, वो देश हमेशा उन्नति की ओर अग्रसर होता है। आप उनसे पूछेंगे आप लोगों का क्या किरदार है। खुशी शर्मा आइए आइए आइए। जी मैं खुशी शर्मा हूँ, इस मूवी में काम कर रही हूँ तो अच्छा लग रहा है। मेरा नाम अमित लेखवानी है। जैसे कि आपने देखा मूवी का नाम है किसान की बेटी, ये नाम में ही एक पॉजिटिवनेस है कि क्या है इसमें कि आजकल हर जगह पे मेलों पे महिलाओं पे अत्याचार होते जा रहे हैं, तो हम ये दिखाना चाहते हैं तो महिला अपने आप में एक पॉजिटिवनेस ले, अपने आप में एक स्ट्रांग पावर ले कि वो कुछ कर सकती है, तभी आगे कुछ हो सकता है। और आजकल जो आप देख रहे मुद्दे उठ रहे हैं, किसान सुसाइड कर रहे हैं, जो महिलाएँ आगे बढ़ेंगी तो ये कुछ भी नहीं होगा कि महिलाएं उनके मोटिवेशन है। इस फिल्म के बारे में जब से मौर्या जी ने तैयारी शुरू की है और उन्होंने हमेशा एक सामाजिक मुद्दे को लेकर ही फिल्म बनाने की इच्छा प्रकट की है, तो किसान की बेटी एक ऐसा विषय है जो सामाजिक तौर पे एक ज्वलंत मुद्दा हर एक के लिए बना हुआ है। और आप सभी देख रहे हैं कि इस मुद्दे में एक महिला का उसके खिलाफ आवाज़ उठाना और उसके प्रति आवाज़ उठाकर उसके लिए एक संदेश देना कि हम भी कमज़ोर नहीं है, इस मामले में हम भी इसका मुकाबला कर सकते हैं, इसको डटकर इसका जवाब हम दे सकते हैं, तो इस तरीके की ये कहानी है। बहुत ही ड्रामेटिक भी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और ये ज़रूर एक अच्छा संदेश लोगों तक पहुंचाएगी। किसान की बेटी, किसान की बेटी फिल्म प्रोजेक्ट में आप लोग को मौका मिला है, क्या किरदार निभा रहे हैं आप? हम सेकंड लीड में हैं और अमित भाई हमारे जो फर्स्ट लीड में हैं। और किसान की बेटी एक बहुत पारिवारिक फिल्म है, इससे समाज को एक अच्छा संकेत मिलेगा, एक अच्छी दिशा मिलेगी, इसलिए हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आप हम बहुत ही खुश हैं जो हमें मौर्य साहब ने हमें अपॉर्चुनिटी दिया है। हमें एक्चुअली मैं बाहर से हूँ, कोलकाता में मैं फिल्म करता था, बट पहली फर्स्ट टाइम मेरी ये हिंदी फिल्म है और मैं बहुत 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 ही आभारी हूँ मौर्य साहब का, जो उन्होंने मुझे ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिया है मुझे। तो फिल्म रिलीज होगी, कैसा रिस्पॉन्स आपको उम्मीद है, दर्शकों से मिलेगा? आशा है, कहानी तो बहुत ही अच्छी है, आशा करते हैं कि लोगों को पसंद आएगी। और बताइए आप, बताइए। इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग, पहली बात तो अच्छा। और हमारे प्रोड्यूसर सर जी राम सज्जन मौर्य और यूसुफ भाई से, ये दोनों दिन रात एक कर दिए इस प्रोजेक्ट के लिए, इसलिए आशा है कि ये प्रोजेक्ट जो है मार्केट में धूम मचाएगी और बढ़िया चलेगी एकदम।